सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आउटलाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ की एक आउटलाइन बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पहले ही बना रखी है। तो अब चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ कि मैं ग्रिड से मैं कैसे आउटलाइन बनाया। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी हाथ को एक शेप दे चुका था, तो मैंने सोचा था कि वापस मैं एक वीडियो बनाता हूँ आउटलाइन के ऊपर, तो तब का ये रिकॉर्डिंग है। और यहाँ पे मैं फिंगर्स को पहले तो बना रहा हूँ। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्लॉक का जो सेंटर एरिया है, वो सेंटर पॉइंट है, उसको आप देख के चलिए। और आप और आपको फिर वहाँ पे देखना है कि वो लाइन, कोई भी लाइन जो जा रही है, वो सेंटर ब्लॉक से कितनी दूर है और कितनी नज़दीक है, बस आपको वही देखना है सेंटर पॉइंट से। और बस यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, शायद मैं यूज़ कर रहा हूँ 6 सेंटीमीटर्स के मैंने ग्रिड्स बनाए थे, तो यहाँ पे मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पे अभी रिंकल्स बना रहा हूँ फिंगर्स के, और बस उनको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं शेप दे रहा हूँ। बाकी तो हम फिर शेडिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं बाद में फिर। तो हाँ, आप देख सकते हैं मैं नेल्स और वो सब जो मेन मेन फीचर्स होते हैं फिंगर्स के, वो मैं पहले तो दे देता हूँ, खाली मार्क कर लेता हूँ, और बाद में फिर इसके ऊपर हम थोड़ी सी डेप्थ डालेंगे जब हम शेड करें। तो गाइस यहाँ पे हमारा हैंड बन चुका है, और अभी हैंड के बाद मैं बनाऊंगा फेस पे। फेस पे मैंने थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर जो है वो बना लिया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं बियर्ड की हल्की सी एक अंदाजे के लिए मैं एक आउटलाइन बना रहा हूँ, कि सिर्फ मेरे को जब मैं शेड करूँ तब मेरे को पता चले कि हेयर डायरेक्शन कहाँ पर था। और मैं यहाँ पर अभी लिप्स बना रहा हूँ। लिप्स को भी आपको बस हल्की सी आउटलाइन बना लेनी है ज़्यादा। तो अगर बियर्ड वाले फेस में अगर लिप्स बना रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि जब बियर्ड के जो हेयर्स है वो लिप्स में कभी कभी ओवरलैप हो जाते हैं, तो वो उसका शेप वो नेचुरल शेप नहीं रहता। तो बस आपको एक हल्का सा अंदाज़ा लेके एक आउटलाइन बना लेनी है, बाद में फिर आप शेडिंग में उसको ठीक कर सकते हो। सो आप देख सकते हो मैंने ऊपर नोज़ भी बना लिया था, तो नोज़ में भी मैं पहले तो नॉर्मल शेप दे देता हूँ, बाद में फिर थोड़ा फीचर्स ऐड करता जाता हूँ। जैसे जैसे मेरे को दिखता है कि यहाँ डेप्थ है, तो ये वाले पार्ट में हल्का सा शेड भी कर देता हूँ कभी कभी आउटलाइन के साथ, तो मेरे को पता चलता है बाद में फिर मैं कहाँ पे मेरे को डेप्थ डालनी है, कहाँ पे शेड ज़्यादा डार्क करना है। और अभी मैं नेक्स्ट आइज बना रहा हूँ। यहाँ मैं आइज़ में भी मैं सिंपली दो ब्लॉक, इसमें चार ब्लॉक थे, तो चार ब्लॉक के बीच में आइज़ थी, तो मेरे को थोड़ा इजी पड़ा था इसमें। अगर आपको एक ब्लॉक है उसके सेंटर में ही अगर आइज़ है, तो आपको वो सेंटर पॉइंट को ध्यान में रख के आइज़ बनानी पड़ेगी, ताकि वो आइज़ का पोजीशन चेंज ना हो। अगर आइज़ का पोजीशन चेंज हो जाता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आइज़ से ही पूरे ड्राइंग का जो लुक है वो आ जाता है। आइज़, नोज़ और लिप्स, ये तीन फीचर्स से ही पूरा मतलब वो फेस का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाता है। सो यहाँ पे मैं आईब्रोज के लिए भी सेम थोड़ा आउटलाइन बना लूँगा, थोड़ा मार्क मेकिंग से मैं थोड़ा सा अंदाजा लगा लूँगा कि आईब्रोज मेरे को कितने हेयर की डायरेक्शन, पहली बात तो मैं सेट कर लूँगा। देख सकते हैं पूरा आउटलाइन अभी बन चुका है। और इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था, मैं बस बताना चाहता था कि मैं ग्रिड से कैसे आउटलाइन बनाता हूँ। मैं ज़्यादातर ग्रिड बड़े भी नहीं यूज़ करता और बहुत छोटे भी नहीं यूज़ करता, मैं मीडियम साइज़ के ग्रिड यूज़ मतलब मैं मैक्सिमम मैं 10 सेंटीमीटर के ग्रिड यूज़ करता हूँ। जब मैं A1 साइज़ या तो कोई ऐसा बड़ा साइज़ में बना रहा हूँ, तो मैं 10 सेंटीमीटर के यूज़ करता हूँ। मैं 2 सेंटीमीटर के थोड़े छोटे हो जाते तो मैं वो यूज़ नहीं करता, थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो बट हाँ, आपको बड़े साइज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हो, तो ग्रिड्स का जो साइज़ है वो आपको मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा रखना है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होगा और प्रोपोर्शन भी उसमें बहुत गलतियाँ हो सकती है। तो उसमें भी मैं अगर आपको बताऊँ तो 6 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर मिनिमम इतना रख सकते हो, और छोटे साइज़ में तो आप 2 सेंटीमीटर भी रख सकते हो, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। ये 2 साइज़ का था इसलिए मेरे को 6 सेंटीमीटर का मैंने रख दिए थे। तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था,
और इसका एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जब मैं शेड करूँगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें वैल्यूज़ कैसे ऐड करते हैं जो शेडिंग के टाइम, और फिर मैं आपको उसमें भी बताऊँगा कि नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगा कि हम शेडिंग इसको कैसे करेंगे और इसमें टेक्स्चर कैसे देंगे, स्किन का जो टेक्स्चर है वो कैसे देंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।